नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। कौन थे पूर्व मंत्री विभूति प्रसाद निषाद, कैसा था इनका राजनीतिक करियर, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बता दें कि बसपा सरकार में मंत्री रहे विभूति प्रसाद निषाद का जन्म 1958 में रामपुर खास में हुआ था। इनके पिता बुनेल निषाद एक कृषक थे तो माता सुखराज एक गृहिणी। यह तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। इनके बड़े भाई पारसनाथ निषाद कृषक हैं तथा सबसे छोटे भाई राम सांवले निषाद इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर हैं। अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे विभूति प्रसाद निषाद की पढ़ाई की जिम्मेदारी बड़े भाई पारसनाथ निषाद के कंधे पर थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भगतपुर हाई स्कूल पर पटेल इंटर कॉलेज अतरौलिया तथा इंटरमीडिएट व स्नातक के परीक्षा उद्योग विद्यालय कोयलसा में हुई थी। इसके बाद LLB की परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से पास किया। अत्यंत गरीब परिवार से होते हुए भी गरीबों के साथ हो रहे भेदभाव और उनकी दीन दशा को देखते हुए लोगों से प्रेरित होकर पहली बार 1992 में जनता दल से अतरौलिया विधानसभा से चुनाव लड़े, जिसमें लगभग 20,000 वोट इन्हें मिले। जनता के सहयोग से दूसरी बार 1996 में अतरौलिया विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े और विजय प्राप्त की। एक कद्दावर नेता को हराने के बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार में इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मंत्री बनाया गया। मंत्री पर पद पर रहते हुए सादगी पसंद जीवन जीना पसंद करते थे। शुरू से ही एक झोपड़ी में रहना पसंद करते थे और जीवन के अंतिम समय तक उसी झोपड़ी में ही अपना जीवन व्यतीत किया। एक साल पहले यह गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए, जिनका 63 वर्ष की उम्र में 11 जून 2021 को निधन हो गया। इतना ही नहीं, मंत्री के मरने के बाद भी प्रोटोकॉल के अनुसार कोई राजकीय सम्मान ना मिला, जिसकी वजह से परिवार के लोग काफ़ी दुखी हैं। वह ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इनकी शादी 21 वर्ष की उम्र में 1978 में शांति देवी से हुई थी। इन्होंने अपने पीछे दो पुत्र तथा दो पुत्रियों को छोड़ दिया। सबसे बड़े गुलाबचंद 37 वर्ष से लखनऊ में प्राइवेट जॉब करते हैं। पुत्र नीलम तथा रेणु तैयारी करते हैं। दूसरा बेटा अखिलेश बीटेक की तैयारी लखनऊ से कर रहे हैं। विभूति प्रसाद निषाद अपने राजनीतिक करियर के दौरान मंत्री पद पर रहते हुए ग्राम सभा रामपुर में जूनियर हाई स्कूल की नींव रखी, जिसमें आज आसपास के सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं ग्राम सभा में कई सड़कों का निर्माण भी कराया। पिता विभूति प्रसाद निषाद की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके छोटे पुत्र अखिलेश निषाद संभालेंगे। आइए सुनाते हैं कि पूर्व मंत्री के भतीजे ने क्या कुछ कहा। आप मंत्री जी के क्या लगते थे, इसके बारे में बताइए। मैं मंत्री जी का भतीजा लगता हूं। आपके चाचा जी राजनीति में आए थे, किस लिए आए थे और वो मंत्री बने थे, क्या क्या किए इसके बाद? राजनीति में उन्होंने इसलिए आया कि हम राजनीति में आ करके गरीब और पिछड़ों का उत्थान कर सकते हैं, ये हमारा राजनीतिक माध्यम से ही कर सकते हैं ऐसा काम। इसलिए उन्होंने 1996 में बसपा से इलेक्शन लड़ा और उसमें सफलता हासिल की। आपके ग्राम सभा के लिए उन्होंने क्या क्या किया? हमारे ग्राम सभा में जो हमारे ग्राम के आसपास जितनी भी सड़कें हैं उनका भी निर्माण उन्होंने कराया और हम अपने ग्राम सभा में जो है इन्होंने एक जूनियर हाई स्कूल का स्थापना करवाया, जिससे हमारे ग्राम के बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। इससे पहले ये बच्चे जो हैं 7-8 किलोमीटर तक दूरी तय करके पढ़ने जाते थे। ये बताइए, जब मंत्री भी बन गए थे तब भी इसी झोपड़ी में रहना पसंद करते थे, इसके बारे में बताइए। जी जी, इनका शुरू से ही जीवन बहुत ही सादगी पूर्ण रहा है। जब ये शिक्षा ले रहे थे तब भी बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और इन्होंने अपना जो भी जीवन था वो अपने समर्पित किया इन्होंने गरीब और पिछड़ों के लिए, और उनकी सादगी ही ऐसी थी कि वो अपने इस झोपड़ी में ही रहना पसंद करते थे। इनकी जो पड़ी हुई है तख्त, पड़ा हुआ इसी तख्त पे लेटते ही थे। मंत्री पीरियड में भी चाहे वो अधिकारी आवे चाहे कर्मचारी आवे, वो भी उनको स्वागत जो करते थे इसी मंडई में होते थे। आपको मैं बताऊं, एक बार ऐसा हुआ जिस समय अधिकारी लोग आए और उन्होंने पूछा मंत्री जी का मकान कौन है, तो मंत्री जी ने स्वयं कहा कि मेरा यही मकान है, तो बल्कि बड़े अस्तब्ध हुए और उन्होंने इनकी बड़ी सराहना की हैं कि आप इस पद पर पहुँच करके भी आप इसी मंडई में रह रहे हैं। तो ये उन्होंने हंस करके कहा कि हमारा जीवन ही मतलब हमारा बहुत सादगीपूर्ण है, हम इसी को पसंद करते हैं और इसी में हमारी मतलब खुशी रहती है। जैसे कि 11 तारीख को उनका देहांत हो गया और उनको प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया, इसके बारे में आप और आप ग्रामीण क्या कहते हैं? देखिए, जो है हम लोग तो पूरा परिवार, हमारा ग्राम समाज जितना भी यहाँ था ग्राम सभा, सब लोगों ने उनके देहांत के बाद इतना दुखित हो गया। हमारे परिवार के, हमारे पटीदार, हमारे जितने भी ग्राम के सदस्य थे सारे इतने दुखित हो गए कि मतलब
वो सम्मान के असम्मान के बारे में सोच ही नहीं सके। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने ग्राम प्रधान श्री रमेश निषाद से कहा, इन्होंने जा करके थाने पे सूचित किया। थानों पे सूचित करने के बाद हम लोग अपना आर्थिल हो गए कि भाई चलिए ठीक है, हमारा उच्च अधिकारी जो है वहाँ सूचित कर देंगे। इसके बाद इन्होंने अपने विधायक जी को भी सूचित किया, अपने जितने भी हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं उनको भी सूचित किया कि ये सब अपना वहाँ पे जा करके उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिए होंगे। लेकिन हमारा जो परिवार था वो शोकाकुल था, हम लोग उनकी अंत्येष्टि में अपना सुबह से लग गए और इंतज़ार करते रहे कि हो सकता है कोई अधिकारी आए, लेकिन कोई भी मौके पर अधिकारी नहीं आया। इसका हमारे समाज का, हमारे ग्राम सभा का और हमारे पूरे क्षेत्र में पूरी जनता का बहुत ही बड़ा रोष है और उसमें हम लोगों को बहुत ही हार्दिक, मतलब हमारी संवेदनाएं इतनी मतलब दुखित है कि पूछे नहीं कि अब हम इस पद पे किसको ले आएंगे। ये हमारा जो है समाज पिछड़े समाज से थे तो कोई भी अधिकारी यहाँ तक नहीं आया, और ये किसकी गलती है? जबकि उस समय जब ये चलना चालू हो गया, मीडिया में भी चालू हो गया, फेसबुक भी चालू हो गया, तो ये हम ये मानते हैं कि भाई ये निरंग हम ये मानते हैं कि भाई ये निरंकुश जो है हमारे प्रति, हमारे नेता के प्रति ये बहुत ही अमानवीय स्थिति रही। अब हम पूरा परिवार शोकाकुल होते हुए भी अब ये सोच रहे हैं कि अब ये सम्मान हमको कहाँ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, और इससे हम लोग जीवन भर दुखित रहेंगे कि इस पद पे रहते हुए भी हमारे चाचा जी को ये सम्मान नहीं मिला। अब इसके लिए हम किसको दोषी ठहराएं? आप उनके, आपके चाचा जी जो सादगी से चलते आ रहे थे, उससे आप अपने परिवार वालों को कुछ सीख देंगे? उनके जीवन शैली से हमारा परिवार जो बहुत ही प्रभावित है, और सीख क्या है? उनके बताए हुए, उनके समझाए हुए, उनके दिए हुए निर्देशों को पूरा परिवार पालन करेगा, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेगा। और जहाँ तक बात रही राजनैतिक विरासत की, तो ये राजनैतिक विरासत भी हम लोग उनकी संभालेंगे, जिसमें हम उनके छोटे बेटे अखिलेश निषाद हैं जिनको आगे किया जा रहा है कि आगे की कमान अभी अखिलेश निषाद। और अम्बेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने महिलाओं को पीटा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिले के आलापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर मलपुरा गांव का मामला है, जहां किसी विवाद को लेकर के दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस वहां मौजूद है, जिस तरह की आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने महिलाओं को पीटा है और पुलिस खड़े खड़े तमाशाबीन बनकर देखती रह गई। तस्वीरें आपको सामने है जो अंबेडकर नगर जनपद से है। टीवी 20 न्यूज पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जिले के आलापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर मलपुरा गांव में दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं को पीटा है। अब इसका वीडियो जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके बाद अंबेडकर नगर पुलिस की किरकिरी होना शुरू हो गई है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ दबंगों द्वारा महिलाओं को पीटा जा रहा है और पुलिस वहां पर खड़ा बन तमाशाबीन बनी रही, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही है पुलिस, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मारपीट की वजह क्या थी, अभी इसका खुलकर मामला सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने महिलाओं को पीटा है, कहीं ना कहीं ये पुलिस की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अरे आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के देवगांव मेहनाजपुर मार्ग पर मंगलवार को आज 9 बजे के करीब बगरवा उर्फ मोलनापुर में अंडरपास के निकट एक अनियंत्रित मेहनाजपुर की ओर से आ रही बोलेरो ने 9 वर्षीय ब्यूटी को कुचलते हुए खाई में चली गई, जिससे बालिका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। आनन फानन में काफ़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए और गाड़ी को हटाकर किसी प्रकार बालिका को बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। सूचना पाकर देवगांव कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, किंतु ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। आक्रोशित ग्रामीणों को समझा जाकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है।
कितनी बड़ी है बच्चिया? अरे हंसने वाली है। अच्छा छुट्टी है? आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार कर उनको सलाखों के पीछे भेज दिया है। बता दें कि थाना निजामाबाद पुलिस ने अपहरण के एक अभियोग में फरार चल रहे अभियुक्त को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वही थाना तरवा पुलिस ने भी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें थाना गंभीरपुर पुलिस की, तो थाना गंभीरपुर पुलिस ने भी अज्ञात बदमाशों द्वारा युवक को गोली मारने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना तरवा पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार करने में अपने नाम में कामयाबी हासिल की है। साथ ही निजामाबाद पुलिस ने भी चोरी के अभियोग में प्रकाश में आए एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आजमगढ़ के रानी की सराय कस्बे के स्टेट बैंक के समीप रात तकरीबन 1:30 बजे विद्युत शॉर्ट सर्किट से चिंगारी से लगी आग ने जनरल स्टोर की दुकान में रखे सारे सामान जल गए। आग लगी में तकरीबन 7 लाख की क्षति बताई जा रही है। काफी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कस्बा निवासी सुरेंद्र गुप्ता का परिवार दो जगहों पर रहता है। इन दिनों मुख्य मार्ग के भवन टूटने से पूरा परिवार भारतीय स्टेट बैंक के समीप दूसरी पटरी पर स्थित मकान के दूसरे तल पर रहता है, जबकि नीचे सुरेश गुप्ता पुत्र राम प्रसाद जनरल स्टोर की दुकान किए हुए हैं। रात में सभी परिजन सो रहे थे, दुकान में विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग पकड़ ली। आग की लपटें जब सीढ़ी के ऊपर जाने लगी तो लोगों को जानकारी हुई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड दल भी पहुंचा। बाहर शटर बंद होने से किसी तरह शटर काटने के बाद टीम ने आग पर काबू पाया। पीड़ित के मुताबिक अग्निकांड में तकरीबन 7 लाख की नकदी समेत सामान जल गए हैं। गोरखपुर से खबर है जहां पूर्व पार्षद विचार मंच उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में महापौर सीताराम जायसवाल व नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह से संबोधित 7 सूत्रों माओं का पत्रक नगर आयुक्त व अन्य उच्च अधिकारियों के अनुपस्थित होने पर नजर आयुक्त नगर आयुक्त कार्यालय पर चस्पा किया, जिसमें उनके द्वारा निम्न बिंदुओं को पूरा करने की मांग की गई। मांगों में क्या मुख्य मांगें थी, आप खुद सुना सुनिए अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल की जुबानी। यहाँ पर महिला पार्षदों के लिए कोई बैठने की व्यवस्था नहीं, उस संबंध में एक कमरा अलाट करने के लिए नगर आयुक्त महोदय से 2 दिन पहले हम लोग समय लिए थे कि 12:30 बजे का समय उन्होंने दिया था। इस संबंध में आज सारे पार्षद यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, महिला पार्षद इकट्ठा हुई हैं, और लेकिन जो है नगर निगम में कोई अधिकारी नहीं, किसी को फोन करने पर कोई फोन नहीं उठा रहा है और न ही यहाँ पर है। उस संबंध में हम लोग यहाँ आए थे। दूसरी मांग हम लोगों की थी यहाँ पर जो है जो कोरोना काल में शहर महानगर में आउटेक्स पुराने बकाए में 50% का छूट दिया जाए, और तीसरी मांग ये थी कि हम लोग जो महानगर में अगर कोई रजिस्ट्री करा के अपना घर बनवाता है उस संबंध में अगर उसका जो है पेपर रसीद कटने के 15 दिन के अंदर किसी भी तरीके से उनका टैक्स पे नाम दर्ज हो जाए, क्योंकि यहाँ के अधिकारी जो है 2-2 महीना 3-3 महीना 6-6 महीना जो है उसको दौड़ाते रहते हैं। चौथी मांग हम लोगों की यदि महानगर में डूढ़ी जो है सड़कें खराब पड़ी हैं और गड्ढी गुड्ढा हो गया है, उसका जो है पीछ करा के इसको जो है बरसात के पहले से ताकि बदले जो है व्यवस्था सही हो जाए, और नाले नाले की सफाई करा दिया जाए, कहीं भी पानी शहर में लगे न है, इस तरह की हम लोग की मांगे थी। तो आज हम लोग नगर आयुक्त को मिलने आए, यहाँ पर जो है पता चला कि उप नगर आयुक्त भी नहीं है, नगर आयुक्त भी नहीं है, चीफ इंजीनियर भी नहीं है, और किसी भी अधिकारी जो नगर निगम एकदम खाली पड़ा हुआ है, और कोई काम यहाँ नगर निगम में समय से नहीं हो रहा है, जिसके लिए पूर्व पार्षद समझ लीजिए कि बहुत ही शर्मनाक बात है। इसकी निंदा हम लोग करते हैं कि नगर निगम में नगर आयुक्त के नहीं रहने पर कम से कम इनके यहाँ कार्यालय पर कोई ना कोई एक अधिकारी होना, अधीनस्थ अधिकारी होना चाहिए, चाहे वो उप नगर आयुक्त हो, चाहे मान लीजिए हो, चाहे सहायक हो, उप नगर आयुक्त हो, कहीं कोई व्यवस्था नगर निगम को नहीं है, इससे बहुत महानगर के रूप में हम लोग जो है हम लोग जो है नगर आयुक्त कार्यालय पर ज्ञापन जो है चस्पा कर दिया गया है, और इसके सूचना हम लोग दे दिए हैं उनके माध्यम से, सूचना हम लोग दे दिए हैं कि नगर निगम में आज से आपके कार्य देने की बात है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्य है नहीं।
पूर्व पार्षद यहाँ पर सब तक रहेंगे, घर का इंतजार करने पर नगर आज के उसके कमरे के बाहर उसको चस्पा करके जो है हम लोग पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर सरायमेरी पुलिस ने आज बड़ी सफलता हासिल करते हुए थाने का टॉप 10 अपराधी सहित 2 को गिरफ्तार किया है और 1 दर्जन मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं चोर नकबजन लुटेरों की गिरफ्तारी के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में 14 जून को उप निरीक्षक विपिन कुमार सिंह, उप निरीक्षक आशुतोष मिश्रा में हमरा द्वारा मुखबिर की सूचना पर असफल ला अस्पताल के पास बीना पार से नरपुरिया के पास 2 नफर अभियुक्त धर्मवीर सिंह उर्फ नखड़ू सोनकर पुत्र महेंद्र सोनकर निवासी पुनापखोर थाना सरायमेर जनपद आजमगढ़ जो थाने का टॉप 10 अपराधी है और वीरू सोनकर पुत्र महेंद्र सोनकर निवासी पुनापोखर थाना सरायमेर जनपद आजमगढ़ को 1 अवैध चोरी के मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है और उनके पास से अवैध तमंचे व कारतूस भी बरामद किया है।